से खाने जा रही हूँ मेरी बेस्ट एवर इजीएस्ट एवर चॉकलेट केक की रेसिपी। और आप जानते हैं इस केक को बनाने के लिए किसी भी अवन या माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है। ये केक बनेगा एक कढ़ाई में और वो भी केवल चार बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, इतना डिलिशियस कि क्या नहीं क्या। और जानते हैं इस केक में ना कोई मैदा, ना कोई बटर, ना कोई ऑयल, ना कोई बेकिंग पाउडर, ना कोई अंडा, इन सब में से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ बहुत ही इजी टू डू कुछ ऐसे गार्निशेस जिससे आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करें। तो कहा था ना आपसे केवल चार इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे इस केक को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा 300 ग्राम डार्क चॉकलेट बिस्किट्स, 1/4 कप दूध, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट। अच्छा, इसमें डार्क चॉकलेट बिस्किट्स ना आप जो आपको अच्छा लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे ये ओरियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो हाइड एंड सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड यू विश आप बोर्बन बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द होल आइडिया इज देयर शुड बी डार्क चॉकलेट बिस्किट्स लाइक दिस। अब पहला काम हमें ये करना है कि इन बिस्किट्स को हमको मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेना है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो अब आपके समझ में आया कि क्यों हमें वनीला एसेंस की या मैदे की जरूरत या बटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द सिंपल रीजन कि इन बिस्किट्स में मैदा, बटर, वनीला एसेंस ऑलरेडी मौजूद है। इनको ग्राइंड कर लेते हैं। सो देयर वी आर, बिस्किट का पाउडर रेडी हो गया। अब इसे पहले मैं एक बड़े से बोल में निकाल लेती हूं और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 कप वार्म मिल्क, यानी कि गुनगुना दूध। तो दूध मैंने ऑलरेडी गुनगुना कर लिया है, 1/4 कप मिल्क इसमें ऐड कर देते हैं। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज योर मेजरिंग कप। तो ये हुआ 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप दूध मैंने इसमें डाल दिया। ये दूध गुनगुना दूध है। अब इसे पहले अच्छे से विस्क करके मिक्स कर लिया जाए। तो देखिए ऐसी थिक कंसिस्टेंसी है, दिस इज फ्लोइंग, नॉट फ्री फ्लोइंग, नॉट ड्रॉपिंग, बट अ नाइस एंड थिक कंसिस्टेंसी। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी एंड मिक्स द शुगर वेल इन द मिक्सचर। आई एम जस्ट गोइंग टू सेट दिस असाइड फॉर 5 मिनट्स और तब तक अपने ओवन की तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे कहा था ना आपसे ये केक बनेगा एक कढ़ाई में, तो पहले कढ़ाई चढ़ाई जाए। और अब इस कढ़ाई में मैं ऐड करूंगी 1 कप नमक। नीचे बेस पे पहले 1 कप नमक बिछा देंगे। स्प्रेड दिस सॉल्ट ऑन द बेस ऑफ द पैन और अब इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि ये नमक जो है अच्छे से गर्म हो जाए और उसी 5 मिनट में मेरा बैटर भी रेस्ट कर चुका होगा। तो जब तक ये नमक गर्म होता है, मेरा बैटर रेस्ट करता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी, आसान सी, मस्त सी, क्विक बन जाने वाली रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये आसान सा केक कितना आसान लगा आपको, और आपने घर में सर ट्राई किया तो आपके फैमिली मेंबर्स को ये कैसा लगा। तो ये तो बात हुई कढ़ाई की, लेकिन अगर आपके पास ओवन ऑलरेडी है तो कढ़ाई की तो जरूरत नहीं। इन दैट केस 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक प्री हीटेड ओवन में आप इस बैटर को बेक कर लेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, या तब तक जब तक अ स्क्यूअर विच इज इंसर्टेड इनसाइड इन द मिडल ऑफ द केक डज नॉट कम आउट क्लीन। अगर आपके पास माइक्रोवेव हो ना तो उसमें भी आप इस केक को बेक कर सकते हैं। प्लेन एंड सिंपल माइक्रोवेव मोड पर, हाई मोड पर किसी अवन में आपको मिलेगा 800 वॉट्स, किसी माइक्रोवेव में आपको मिलेगा 900 वॉट्स। तो जो भी 800-900 वॉट्स, लेकिन हाई मोड पर किसी माइक्रोवेव सेफ बोल में आप इसे केवल और केवल 4 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। यस यू हर्ड मी राइट, ओनली 4 मिनट्स। और बेक करने के बाद उसे कम से कम 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में ही छोड़ दीजिएगा। एंड देन यू विल सी कितना बढ़िया फ्लफी सॉफ्ट केक रेडी हो जाएगा। तो जब तक मेरा ओवन यहाँ प्री हीट हो रहा है, अपना केक टिन भी तो प्रिपेयर कर लिया जाए। आई हैव माई केक टिन ओवर हियर।
आप किसी भी स्टील के कटोरदान में या एलुमिनियम के बोल में या कोई भी जो हीट प्रूफ ग्लास बोल होता है ना, उसमें भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे कि हम इसमें नीचे बटर पेपर लाइन कर देंगे। बटर पेपर लगाने से जानते क्या होता है, केक को निकालना लिफ्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। और इसके लिए ये बटर पेपर की एक लंबी सी स्ट्रिप और एक सर्कुलर बेस मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है, विच इज द सेम साइज एज द बेस ऑफ माई पैन। तो लेट्स कवर दिस विद द पेपर। नाउ आई विल ब्रश दिस विद अ लिटिल ऑयल। ऐसा करने से बैटर आपके पेपर पे चिपकेगा नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है फ्रूट सॉल्ट। तो आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस 1 teaspoon ऑफ फ्रूट सॉल्ट। ध्यान इस बात का रखना है आपको कि फ्रूट सॉल्ट को पहले कभी भी खोल के नहीं रखेंगे। अगर उसने हवा से मॉइस्चर गैदर कर लिया तो उसका जो एक्शन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए इमीडिएटली डालने से पहले ही हम इस पैकेट को खोलेंगे। एड दिस टू द बोल एंड मिक्स इमीडिएटली। आप नोटिस करेंगे आपका मिक्सचर एकदम से फ्रॉथी होना शुरू हो जाएगा। अब इसे इमीडिएटली विदाउट वेट आप अपने केक टिन में निकाल लीजिए। टैप लाइटली टू रिमूव एनी लार्ज एयर बबल्स। और अब कोई रिंग या फिर जो बर्तन रखने की जाली होती है ना, जिसमें हम गर्म बर्तन रखते हैं, ऐसी कोई जाली रखिए इसके अंदर और बीच में रख दीजिए आप अपना केक का बैटर। एंड लेट्स कवर दिस अप इमीडिएटली। और अब इसे बेक होने देंगे हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, जब तक ये केक अच्छे से बेक नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक वो जो आपको दो इंग्रेडिएंट वाली लग्जूरियस की चॉकलेट सॉस बताई थी ना, वो बनानी जाए। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक तो डार्क चॉकलेट और दूसरा बटर। अच्छा, इसके लिए ना आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट जो बच्चे डेरी मिल्क खाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी चॉकलेट फॉर दैट मैटर कैन बी यूज्ड। मैं जैसे यहाँ पर ये डार्क चॉकलेट के ब्लॉक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, इन्हें पहले थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। छोटे ब्लॉक्स में इसे कट कर लेने से फ़ायदा ये रहता है कि ये इजीली मेल्ट हो जाती है और बर्न नहीं करती। नाउ टू बिगिन विद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सबसे पहले अपने पैन में लेने जा रही हूँ 2 tablespoons पानी। गैस को करते हैं ऑन और अब ऐड करूँगी इसमें ये चॉप की हुई चॉकलेट, इसी के साथ 50 grams ऑफ बटर। मिक्स दीज टुगेदर और इनको तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि ये सारी चॉकलेट और बटर मेल्ट नहीं हो जाता। ये देखिए कितनी ग्लोरियस सी, कितनी ग्लॉसी सी सॉस हमारी रेडी हो गई। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे एक कंटेनर में निकाल के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। तो जब तक हमारी सॉस सेट होती है तब तक जो आपको बताया था ना चॉकलेट के गार्निशेस, वो गार्निशेस प्रिपेयर कर लिए जाएं। गार्निश बनाने के लिए मैंने फिर से एक बार डार्क चॉकलेट ले ली है और इस चॉप्ड चॉकलेट को पहले मैं मेल्ट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी डबल बॉयलर पर भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। 30 seconds के लिए मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव कर लिया है और अब इसे पहले मैं स्टर कर लेती हूँ। अब 30 seconds के लिए मैं इसे फिर से माइक्रोवेव कर लूँगी टू मेल्ट द चॉकलेट कम्प्लीटली। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो एक छोटे से बर्तन में चढ़ाइए थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए और जब पानी गुनगुना हो जाए उसके ऊपर रख दीजिए अपना ग्लास बोल। उसकी गर्माहट से ये चॉकलेट सारी बहुत आसानी से पिघल जाएगी। इसी को कहते हैं हम डबल बॉयलर, लेकिन मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म करके लाती हूँ। अब जब आप उसे मिक्स करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि आपकी सारी की सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी होगी। मिक्स दिस वेल ताकि इसका एक ग्लॉसी सा अपीयरेंस आ जाए, इसमें थोड़ी सी चमक आ जाए। टू मेक माई चॉकलेट गार्निशेस मैं फिर से एक बार एक बटर पेपर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अब बटर पेपर पे चॉकलेट को मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। चॉकलेट को बटर पेपर पे आप एक थिन लेयर में स्प्रेड कर दीजिए और इसे पहले थोड़ा सा हम सेट हो जाने देते हैं। अब जब ये हल्का हल्का सा सेट होना शुरू हो जाएगा ना, तब मैं एक बेलन के ऊपर इसे सेट करूंगी और इसे इसी तरह से एक बेलन के ऊपर रखकर ही मैं कूल डाउन होने दूंगी और कंप्लीटली सेट होने दूंगी। तो जब तक ये सेट होता है यहाँ कुछ और चॉकलेट गार्निशेस मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। इसके लिए फिर से लेती हूँ अपनी मोल्टन चॉकलेट और अब ये देखिए कोई भी एक छोटा सा चम्मच ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक का चाहे स्टील का, दैट इज़ एंटायरली ऑप्शनल। और इसके बीच में आप यहाँ इस तरीके से थोड़ा चॉकलेट पोर कीजिए
और फिर जस्ट स्प्रेड इट आउट लाइक दिस। इसी तरह से आप चाहें तो एक पाइपिंग बैग में ये मोल्टन चॉकलेट को भर के, जिस तरह से हम मेहंदी के डिजाइन बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे गार्निशेस आप वैसे भी बना सकते हैं। इसे भी साइड में रखते हैं सेट होने के लिए, जस्ट स्लाइड इट अवे। और केक जो अब यहाँ पक चुका है और गैस को बंद करके मैंने इसे 10 मिनट पहले छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। आप नोटिस करेंगे पहले तो केक थोड़ा सा राइज करेगा, लेकिन हो सकता है बीच में से वो थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो जाए, तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अपना केक पहले चेक कर लिया जाए कि ये रेडी है कि नहीं। फॉर दैट आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्यूअर इन द सेंटर। ये देखिए, ये स्क्यूअर एकदम क्लीन निकल के आया है, विच मीन्स माई केक इज डन। अब केयरफुली टॉन्ग्स की हेल्प से इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 10 मिनट के लिए पैन में रेस्ट कर देने के बाद मैं इसे इन्वर्ट करके निकाल दूंगी और तब इसे कूल डाउन होने दूंगी कम्प्लीटली। पील ऑफ द पेपर फ्रॉम द साइड्स और टॉप से भी इसे पील ऑफ कर दीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है हमारा केक। तो गार्निशेस भी रेडी हो चुकी हैं, चॉकलेट सॉस भी रेडी हो चुका है, केक भी कूल डाउन हो चुका है। अब बारी आती है अपने केक को फिनिश करने की। तो उससे पहले ये गार्निशेस जो रेडी हो चुकी हैं ये चेक करते हैं। ये देखिए बटर पेपर पे इसको फैलाया था ना, तो ये कितनी इजीली हमने बना ली कितनी सारी गार्निशेस। वेरी सिंपल इजंट इट। ये जो बेलन पे हमने चॉकलेट को यहाँ पर सेट करके रखा था, तो इस पेपर को आप उठा लीजिए लाइक दिस और बस इसे ऐसे हल्के से हम ब्रेक करना शुरू कर देंगे। सो माई 2 इंग्रेडिएंट लग्जूरियस चॉकलेट सॉस ऑल्सो रेडी, माई गार्निश इज ऑल्सो रेडी और इसी के साथ साथ केक भी कूल डाउन हो चुका है। तो अब केक को फिनिश कर लेते हैं। तो अब सब कुछ तैयार हो चुका है, तो आई एम रेडी टू प्लेट माई केक। तो केक को मैंने अपने केक स्टैंड पे निकाल लिया है एंड नाउ टू कम्प्लीट इट विद दी गार्निशेस। तो सबसे पहले तो स्प्रेड करते हैं केक पर अपनी चॉकलेट सॉस। लुक एट दैट, इट्स नॉट ब्यूटिफुल। और अब इस पे अपने गार्निशेस लगाइए। आई एम गोइंग टू ऐड अ फ्यू टिंड चेरीज टू माई केक। ना केवल ये चॉकलेट के टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बल देखिए कितना खूबसूरत कलर भी ऐड करती हैं। तो देखा आपने कितना इजी था ये 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ केक बनाना और एक बहुत ही इंडल्जेंट सी चॉकलेट सॉस जो बनी है केवल 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। घर पे ये केक ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो सबको कैसा लगा।